बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस में कंटेंट मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट और अवेलेबल है। अभी तक हमने टेक्स्ट कंटेंट को मैनेजमेंट की तरफ काम किया, या टेक्स्ट कंटेंट जैसे कि पोस्ट या पेजेस या कमेंट्स जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट में एक फॉर्मेट हमारे दिमाग में सबसे इफेक्टिवली सबसे प्राइमरी बेस पर आता है मीडिया एलिमेंट्स का, जैसे इमेजेस, वीडियोस, फोटोज, फोटो गैलरी और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जैसे ऑडियो फाइल, पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, ऐसे कई सारे फाइल्स हम यहाँ पर मीडिया ऑप्शंस पर एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर जब मीडिया पर कवर करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले लाइब्रेरी के नाम से, सेकंड वन इज अबाउट द ऐड न्यू। अगर आप किसी भी नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, नई मीडिया को ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली मीडिया के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और पहुंच जाता हूँ मैं यहाँ पर लाइब्रेरी के ऑप्शन पर। अब लाइब्रेरी के ऑप्शन में पास काफी सारे इमेजेस अवेलेबल है जिन्हें मैं एक क्लिक से ओपन कर सकता हूँ और उसके डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। जब आप मीडिया में लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का दिखता है। जब आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन देख पाएंगे, जहाँ पर आपको फाइल्स अपलोड करनी है और उसे आप वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में देख पाएंगे। आप नीचे वार्निंग देख रहे हैं, यू आर यूजिंग द मल्टी फाइल प्लेयर। आप यहाँ पर नीचे एक नोट देख रहे हैं, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज यानी कि 32 MB से ऊपर की फाइल साइज ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी नहीं खा पाएगी, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है वो 32 MB के लेस देन में सेलेक्ट करना है, यानी कि 32 से कम MB का होना चाहिए। मैं यहाँ पर जाता हूँ लाइब्रेरी सेक्शन में। लाइब्रेरी सेक्शन पे सबसे पहले हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी, ताकि आपको पता लग सके कि आप किस फॉर्मेट में किस सेक्शन में। इसके साथ ऐड न्यू, ये ऐड न्यू बटन भी इस बटन की तरह काम करता है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ दोनों एक ही बात है। दैन हमारे पास ये टूल बार अवेलेबल है, इस टूल बार में मीडिया एलिमेंट्स को सबसे पहले तो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लिस्ट में कन्वर्ट करने पर ये होता है आपको टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका जो टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, विद ऑथर अपलोडेड टू जिस पेज पर अपलोडेड है वो, और इसके साथ साथ पब्लिशिंग डेट कि वो कब अपलोड किया गया था। अगर आप इसे डिटैच करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पेज से, तो डिटैच के ऑप्शन पर क्लिक करके पेज से आप इसे रिमूव कर सकते हैं पर्टिकुलर मीडिया को। ऐसे पहले ऐसे करता हूँ ग्रिड में, और अगर आप इस मीडिया में इसको फिल्टर करना चाहते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में यहाँ से कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेट से कर सकते हैं। और बल्क सिलेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बल्क में सिलेक्ट करें और सिर्फ डिलीट कर पाएंगे इसके, आप मल्टीपल मीडियाज को सिलेक्ट करने पर उसे मल्टीपल एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये रिसेप्शन है वर्डप्रेस के अंदर, आप इसमें सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। कैंसिल करके जब पर्टिकुलर इमेज को ओपन करता हूं, यहाँ पर इमेज का प्रीव्यू लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारे पास इमेज की इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसका नाम, टाइप और कब अपलोड की गई थी, कितने साइज के, उसके डायमेंशन यहाँ पर मेंशन है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया गया है, जहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इमेज किस चीज़ पर डिफाइन है, यानी कि अल्टरनेटिव इमेज में लिखता हूँ बैग विद वुमन, इसलिए मैं लिखता हूँ वुमन विद बैग, और यहाँ पर इसका कैप्शन, सैम्पल कैप्शन अपीयर्स हियर, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन, और ये किसके द्वारा अपलोड किया गया, यहाँ पर ऑथर का नाम और किस पेज पर अपलोडेड है। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं उस पेज को भी देख सकता हूँ नए टैब में, बस ये पेज अपलोडेड है ट्रैवल एजेंसी के नाम से। अगर मैं व्यू करता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखता है, इसे क्रॉस करता हूँ। इसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन है कॉपी लिंक, अगर आप इसको कॉपी करके दूसरे टैब में करते हैं तो डायरेक्टली आप इस फोटो को ओपन कर पाएंगे और फोटो को फुल स्क्रीन में देख पाएंगे, उसे क्रॉस करता हूँ। और यहाँ पर आप इसके अटैचमेंट पेज को देख सकते हैं, जिसे हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, और एडिट मोर डिटेल्स के साथ साथ डिलीट परमानेंटली, इन दोनों ऑप्शन को मांगी वीडियोस में देख पाएंगे। और डिलीट परमानेंटली में आप पर्टिकुलर इमेज को डिलीट कर सकते हैं, हमारे पास ये बटन और ये बटन दोनों सेम काम करते हैं। इन एरो की से आप इनकी फॉरवर्ड फोटो के लिए इस फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करें, प्रीवियस फोटो के लिए इस बटन पर, और क्रॉस करने पर आप उस विंडो को क्लोज करके पर्टिकुलर इमेज को पर्टिकुलर गैलरी को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और इमेज को अगर आप सर्च करना चाहें विद नेम, मान लीजिए माउंटेन क्लाइंबिंग के नाम से इमेज मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ माउंटेन के नाम से, तो मुझे ये इमेज कुछ इस तरह से दिखती है, ताकि आपको सर्चिंग में भी आसानी हो सके। अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो आप उसे भी चेंज अप कर सकें।